now that luxury real estate has started picking up, what are the trends that you are witnessing? Post-COVID scenario, there is a major change right now. Post-COVID scenario, the thought process about the life got changed. The people need more aspirational homes. Means the homes not just between the walls, it's more of amenities, more of aspirational living, means giving each everything, whatever they perceive for the life they want in their home and the around. And the home should be also sustainable living, value proposition with amenities, and it should be usable also. लोगों की ना सोच बदल गई. पहले कोविड से पहले था कि भाई सिर्फ घर होना चाहिए. अब लोगों को लगता है जिसको दो बेडरूम वाले थे उसको थ्री बेडरूम चाहिए, थ्री वाले को फोर चाहिए. आप ये देखें पिछले एक डेढ़ साल के अंदर जितने भी घर बने हैं या बिके हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड फोर बेडरूम फाइव बेडरूम की है. लग्जरी की छोड़ दीजिए, बड़े घर की डिमांड बढ़ गई है. डू यू थिंक दैट बिल्डर्स विल नाउ फोकस मोर ऑन थीम बेस्ड टाउनशिप? थीम बेस्ड घर की ही डेवलपमेंट आज की डेट में जितने भी आपके लग्जरी हाउसिंग आ रही है उसके अंदर आप चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन सब के लिए उस चीज़ों को टेक केयर ऑलरेडी कर रहे हैं. स्पेसिफिक बात करें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉन्ग रन में इंटीग्रेटेड लिविंग बहुत ज़्यादा चलने वाली है, क्योंकि लोग उन घरों को पसंद करेंगे जहाँ पर सारी चीज़ें उनकी डोर स्टेप पर अवेलेबल हों. If you are developing a sustainable project, do you think that your timeline increases? Because there is a fixed timeline that you have to give to RERA. ये अभी environment clearance आपको लेना पड़ता है, उसमें certain norms हैं कि आपको हर एक project जो एक size से ऊपर है आपको environment clearance लेना पड़ेगा. जैसे आपको water harvesting करनी है, sewage treatment plant लगाना है, आपको green energy generate करनी है, उसके अंदर जो भी solar system लगाना है आपको, और glass ऐसा लगाना है, environment ऐसा होना चाहिए कि ground coverage इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% consolidated green देना है, बहुत सारी चीज़ें norms government ने बनाए रखे हैं, उसके बिना project ही नहीं बना सकते.